गए थे तुम, इतनी परेशान हो गई थी। यार इस तरह से मत आया करो, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। तो क्या करूं, फ्रंट डोर से आऊं? अजीब बातें, एंड आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, ठीक है ना? अब आप मुझे बताएं कहाँ थे आप इतनी देर से? यार उसके भाई ने बुलाया था मुझे ये सुनाने के लिए कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, और इसी वजह से वो मुझे शिरो से मिलने नहीं देगी अब। वेट व्हाट, ये इल्जाम तो औरतों पे लगते हैं, उसने उल्टा आपके ऊपर लगा दिया। आपको चाहिए था ना पूछते उसके कैरेक्टर के बारे में। कैसे पूछता, वो है ही नहीं ऐसी। अच्छा, जैसे आप तो बड़े कैरेक्टरलेस है ना। मैं इसीलिए कह रही थी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ सही कह रही थी तुम, कि बातें सुन के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। क्या, क्या 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 आपको मेरी बात ठीक लग रही है? हाँ अगर हम शादी कर लेते हैं तो उसके पास कोई रीजन नहीं होगा शिरोज को रोकने का। वो समझती है कि मैं पोषण के बहाने यहाँ पे रह रहा हूँ। तो फिर क्या रहा था? बस बस हम शादी करते हैं, फिर मैं शिरोज को लेके यहाँ पे आ जाऊंगा, फिर हम वो सब करेंगे जो हमने सोचा हुआ था, फिर देखता हूँ वो क्या करती है। मतलब आप मुझसे शिरोज की वजह से शादी करना चाहते हैं? हाँ यार, मैं बस मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। कब करें शादी? कल कल कर लें। शरोज शरोज शरोज, वो निकली तो अब शरोज भर गया दिमाग में। आखिर इसको मसला क्या है, ये मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकता? नाराज हो? नींद आ रही है। नीलम तुम्हें तो वैसे खुश होना चाहिए, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया कि तुम किसी की मदद कर सको। सदका ज़कात देती हूँ मैं, और वो भी टाइम पे। वो मेरी बहन है नीलम। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी माँ ने मुझे साफ साफ बोला था कि बेटा उस घर से ना तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए, और आप लोगों को देखो बहुत ही मॉडर्न है, देखा जाए तो आप लोगों को उसको जबरदस्ती घर भेजना चाहिए, लेकिन नहीं, चुप करके बैठे हुए हैं। अगर ऐसी बात है ना तो मुझे बता दे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं अपना ये सारा सामान जो है ना पैक करूंगी, तराना को उठाऊंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। बैठे हुए तो उठ जाए, चादर ही दे दे, नजर आया कि बीवी लेट गई है। बन के रहना हम नवा।